नमस्कार दोस्तों, बिस्तर में पेशाब करना एक बहुत सामान्य सी समस्या होती है जो अक्सर काफ़ी सारे परिवारों में देखने में पाई जाती है। इस समस्या को समस्या तब माना जाता है कि जब बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चा इस समस्या को छोड़ नहीं पाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि 3 या 4 साल की उम्र तक आते आते बच्चा रात को सोते समय बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 5 साल की उम्र के बाद भी वो बिस्तर में पेशाब करता रहता है। आज की इस वीडियो में हम बच्चों द्वारा बिस्तर में पेशाब किए जाने की समस्या के बारे में हर पहलू पर आपसे विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छी जानकारी है, वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह समस्या आखिर है क्या और इस समस्या को वास्तव में कब समस्या समझा जाना चाहिए और कब इसको एक सामान्य सी बात समझ करके नज़रअंदाज में कर देना चाहिए। जब बच्चा बढ़ता है, वो 3-4 साल का होता है, 5 साल का होता है, तब तक वो बिस्तर में पेशाब करना काफ़ी हद तक बंद कर देता है। आमतौर पर देखा जाता है कि लगभग 80% बच्चे जो होते हैं इस उम्र तक आते आते, 5 साल की आयु तक आते आते, वो बिस्तर में पेशाब करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 साल की आयु के बाद भी पेशाब करते हैं, जो लगभग 7 या 8 साल की आयु तक आते आते बंद कर देते हैं। इसके बाद भी कुछ बच्चे पेशाब करते रहते हैं। ऐसे बच्चों का एक औसत होता है लगभग 5% से लेके और लगभग 7-8% तक बच्चे होते हैं जो 8 साल की आयु के बाद भी बिस्तर में पेशाब करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यदि बच्चे की आयु 6-7-8 साल तक है और वो बिस्तर में पेशाब कर रहा है तो इसको हम एक सामान्य सी चीज़ समझनी चाहिए, और यदि इस आयु के बाद भी वो बिस्तर में पेशाब कर रहा है तो इस समस्या को वास्तव में समस्या समझा जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम उन पहलुओं के बारे में कि जो बताते हैं हमें कि इस चीज़ का कारण क्या है कि क्यों बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है और क्यों एक सही आयु आने के बाद भी वो बिस्तर में पेशाब करना बंद नहीं कर पाता है। तो देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है छोटे बच्चों में पेशाब की जो थैली होती है उसके आकार का कम होना, अर्थात जो यूरिनरी ब्लैडर है वो थोड़ा सा छोटे साइज का होता है, जिसके कारण वो कम मात्रा में यूरिन को होल्ड कर पाता है, जल्दी ही भर जाता है, जिसके कारण बच्चा रात को बिस्तर में पेशाब कर देता है। दिन में बच्चा जागता रहता है और हर 2 या 3 घंटे के बाद भी जब भी उसको पेशाब की एक प्रेशर आता है, अर्ज होती है, तो वो चला जाता है, लेकिन रात लंबी होती है और कई बार बच्चा गहरी नींद में होता है तब वो पेशाब की थैली भर जाने के बावजूद भी जाग नहीं पाता है और उसको जो है बिस्तर में पेशाब उसका निकल जाता है। दूसरा जो इसमें कारण होता है आमतौर पर जो देखा जाता है वो ये रहता है कि बच्चों में पेशाब में कुछ इन्फेक्शन बन जाता है। पेशाब की जो नलकी होती है गुर्दों से लेकर के और पेशाब बाहर निकालने तक का जो रास्ता होता है मूत्रमार्ग, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम बोलते हैं, UTI बोल दिया जाता है, इस टाइप की समस्या रहती है, तब भी बच्चा जो है बिस्तर में पेशाब बार बार करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक ही रात में 2-2, 3-3 बार पेशाब कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक हार्मोन कम बनता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका काम पेशाब निकलने की प्रक्रिया पर लगाम लगाना होता है, वो हार्मोन सही तरीके से नहीं बन पाता है और उसके कारण भी यह पेशाब उसको रात में निकल जाता है। तो यह ADH की कमी भी एक कारण हो सकती है बच्चों का बिस्तर में पेशाब करने के समस्या के बारे में। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ बन जाती है, आजकल देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज से परेशान रहते हैं, तो ऐसे बच्चे भी अक्सर परेशान रहते हैं रात में बिस्तर में पेशाब निकल जाने की समस्या से। और एक और जो बहुत मेन कारण है इस समस्या के लिए वो रहता है बच्चों में रहने वाली कब्ज की समस्या। आमतौर पर बच्चों को जो मल निकलता है वो बहुत सूखा हुआ होता है, गांठ वाला होता है, लगभग 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगभग 10 साल की आयु तक लगातार कब्ज की समस्या रहती है, और यह कब्ज की समस्या भी बच्चे के अंदर वेट वेटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं जो बच्चों में वेट वेटिंग को बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनके कारण बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है। वो क्या रहता है कि सबसे बड़ा कारण तो उसका यही रहता है कि उसके दिमाग में एक फोबिया रहता है कि मेरा रात को बिस्तर में पेशाब ना निकल जाए, रोज निकलता है, आज भी ना निकल जाए, और इस फोबिया में ही वो रात को लगातार सपने भी ये देखता रहता है। तो वो सोचता है कि सोने से पहले कि मैं रात को उठकर पेशाब करने के लिए जाऊँगा जिससे कि मेरा बिस्तर में ना निकले। बार बार सोचते रहने के कारण उसको रात में सपने भी इस तरह के आते हैं कि वो सपने में अपने आप को
टॉयलेट में खड़ा हुआ पाता है कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, टॉयलेट में खड़ा होकर, और वो बिस्तर में पेशाब कर देता है। दूसरा कारण एक और आता है बच्चों में कि बच्चा जो है दिमागी रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो बिस्तर में पेशाब उसका अपने आप ही निकल जाता है बिना उसकी जानकारी के। उसको रात में एहसास भी नहीं होता कि पेशाब का प्रेशर आ रहा है, नींद को नींद चाहिए, वो इतनी ज़्यादा गहरी नींद में होता है कि उसको बिस्तर में पेशाब निकल जाता है। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं कि आप तो उनको डांट देते हैं बिस्तर में पेशाब करने की वजह से, या आप उनको एक इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके टीचर को बताएंगे, हम आपके फ्रेंड्स को बताएंगे यदि आपने ये करना बंद नहीं किया, तो इसके कारण बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, उसके कारण भी ये समस्या उसको देखने में आ जाती है। तो इन सब बातों के बाद में ज़रूरी हो जाता है इस बात की जानकारी करना कि हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम 8 या 10 साल से ज़्यादा आयु के बच्चे या एक किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं 15-16 साल तक के भी, वो भी बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, तो किस तरीके से हम उनको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, उनको हम एक नॉर्मल लाइफ रूटीन की तरफ लेकर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हमें ध्यान रखना है वो रखना है बच्चे की खाने पीने की आदतों के बारे में। सबको मालूम है कि इस तरह की जब समस्या होती है तो ऐसे बच्चों को शाम के 6 बजे के बाद में लिक्विड डाइट बहुत कम दी जानी चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर पानी भी वो कम मात्रा में पियेंगे, और उसके अलावा कुछ भी और होता है जितना भी लिक्विड डाइट है वो उनको नहीं देना है। और उनका दिन भर में भी ये ध्यान रखना है कि वो कुछ भी जो कोला ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो उनको नहीं देने हैं, कोई भी कैफीन वाली चीज़ें होती हैं, कुछ कैंडीज आती हैं जिनके अंदर कैफीन होता है, कॉफ़ी मिली हुई होती है या पीने वाली कॉफ़ी होती है, पीने वाली चाय होती है या कुछ कैफीन वाले ड्रिंक्स होते हैं, वो बच्चों को कभी भी नहीं पीने देना है। कैफीन के कारण भी जो है एक डायूरेटिक इफेक्ट आते हैं, पेशाब ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और यह समस्या को एक बढ़ावा देने वाली चीज़ साबित हो सकती है। उसके बाद में बच्चे को मैनेज करने के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि दिन में उनको जब भी पेशाब आए, उनको थोड़ा सा भी प्रेशर लगे तो वो तुरंत पेशाब करने के लिए ना भागें। जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी उनको दिन में पेशाब आए वो तुरंत पेशाब करने के लिए ना भागें। ऐसा इसलिए कि यदि वो दिन में पेशाब को थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रेशर को होल्ड अप करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी पेशाब को रोकने की, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनकी थोड़ी एक्सरसाइज होती है, वो थोड़ी मजबूत बनती हैं, जिसका बेनिफिट हमें रात के समय यूरिन को होल्ड करने में मिल सकता है। यदि थोड़ा सा भी प्रेशर आने के बाद में बच्चा पेशाब करने के लिए निकल जाता है तो उसकी वो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं, तो उसको आप बोलिए कि थोड़ा यूरिन होल्ड करके रखिए। और उसके अलावा आप बच्चे को ये भी बताएं कि जब भी पेशाब करना है साफ़ जगह पर ही करना है, इनकेस वो घर में है तो घर का टॉयलेट है साफ़ होता है वो कर सकता है, लेकिन इनकेस यदि वो कहीं बाहर है तो कई बार होता है कि पब्लिक टॉयलेट वाली जगह पर वो पेशाब करता है या वो किसी गंदी जगह पर कूड़ी के कूड़ी का ढेर होता है वहाँ पर पेशाब करता है, तो उनको समझाएं कि ऐसी जगहों पर पेशाब नहीं करना, पेशाब करने के लिए कोई साफ़ जगह देख कर वहाँ पर ही उनको पेशाब करना चाहिए। उसके अलावा तीसरी चीज़ एक और जो आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे लोग बच्चों की इस समस्या को छुटकारा दिलाने के लिए दो तरीके से प्रयास करते हैं, एक उनको बहुत ज़्यादा प्यार करके, एक उनको बहुत ज़्यादा डांट कर, उनको डपट कर, उनको जो है गुस्सा करके कि आप बिस्तर में पेशाब करते हो। ये दोनों ही जो तरीके हैं वो गलत हैं। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप उसको एक लालच देते हैं कि आप अगर बिस्तर में पेशाब नहीं करोगे तो हम आपको सुबह आपका कुछ मनपसंद खेल दिलाएंगे या हम आपको जो है कि घुमाने ले जाएंगे। आप मतलब एक तरीके से उसको कुछ रिश्वत देने की कोशिश करते हैं जिसके लालच में वो रात को बिस्तर में पेशाब ना करे। तो लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चा के मन में दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ को लेकर के आती है कि यदि मैं आज ये नहीं करूँगा तो मुझे कल इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, और दिमाग की जो एक्साइटमेंट वाली स्टेज होती है वो भी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर देती है जब हम बात करते हैं बेड वेटिंग के बारे में। इसी तरह दूसरी समस्या होती है कि बच्चे को आप डांटते हैं कि उसने रात में पेशाब कर दिया, आप रात में उसको उठाते हैं उसको डांटते हैं कि आपने फिर कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया, हटाओ हमें बिस्तर साफ करना है। इस तरह की बातें कुछ होती है जो बच्चों के पेरेंट्स बताते हैं हमें, इस तरह के जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं। तो आपको ध्यान रखिए कि इस तरीके से आपको बच्चे को कभी भी नहीं डांटना है। बच्चे की जो नीड है इस समय पर वो है एक मेंटल सपोर्ट उसको चाहिए, और दूसरी चीज़ पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे की बेड वेटिंग की समस्या से जितना ज़्यादा आप परेशान हो उससे ज़्यादा बच्चा अपने आप में परेशान होता है, अपने आप में शर्मिंदा होता है बिस्तर में पेशाब करने की वजह से।
तो जो आदमी, जो बच्चा कच्चे मन का है, वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ का उसके ऊपर बर्डन ना डाल करके उसको आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ उसको इतना कहिए कि कोई बात नहीं, आपने बिस्तर में पेशाब कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से आप कोशिश कीजिए कि दोबारा ना ऐसा हो। बच्चा अपने आप से कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट कीजिए, अच्छी चीज़ के लिए बढ़ावा देने की आप कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़, आप उनको इस चीज़ के बारे में कभी भी ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें कि हम आपके फ्रेंड्स को बताएंगे या हम आपके टीचर को बताएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कर भी देते हैं कि अपने रिलेटिव्स को बता देते हैं, या अपना जो है बच्चा कहीं जा रहा है तो उनको आप बता देते हैं कि रात को उसको सुलाओ तो डायपर लगा लेना, ये कर लेना, पेशाब कर, तो बच्चा एक थोड़ा मेंटली प्रेशर में आ जाता है और बच्चा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसका जो डेवलपमेंट है मेंटली वो रुक जाता है, डिप्रेशन की तरफ बच्चा वो जाने लगता है। तो अगर आपको ऐसी कुछ लगता है कि बच्चा बाहर जाकर पेशाब कर देगा, तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए है आप बच्चे को कहीं बाहर भेजे नहीं, बजाय इस चीज़ के कि आप बच्चे को बाहर भेजें और रिश्तेदारों के सामने आप उसकी इस समस्या के बारे में बताएं। देखिए, यह समस्या बच्चे के लिए बहुत बड़ी है, दूसरों के लिए यह सिर्फ एक मजाक का किस्सा होता है, थोड़ा सा तफरी लेने का किस्सा होता है। तो दूसरे की तफरी कहीं आपके बच्चे के दिमाग के ऊपर असर ना डालने लगे, आपको इस तरफ से भी जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कब इस समस्या को आपको नॉर्मल तरीके से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और कब आपको इस समस्या के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि बच्चा नॉर्मल तरीके से बिस्तर में पेशाब कर रहा है, इन द सेंस वो डेली एक बार वो कर रहा है और लगातार कई दिनों से ऐसा चल रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो आप उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कीजिए कि आप उसको समझाएं, थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट दें, उसके लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, उसका जो लिक्विड इनटेक वगैरह है शाम के टाइम पर उसको हम बंद करें। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी आ रही है कि बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा पेशाब करने लगा है, रात को एक एक की जगह दो दो तीन तीन बार करने लगा है, पिछले 5-6 महीने से वो नहीं कर रहा था लेकिन वो अचानक अभी पेशाब बिस्तर में रात को सोते समय पर करने लगा है, पेशाब करते वक्त बच्चा कुछ समस्या बताता है कि उसको पेशाब करने में दर्द हो रहा है, उसको पेशाब करने में कुछ जो है जलन की समस्या हो रही है, तो ये कंडीशन होती है कि आप डॉक्टर से बराबर सुने। उसके अलावा यदि बच्चे के पेशाब में आपको विशेष तरह की दुर्गंध महसूस हो तो भी आपको समझना चाहिए कि कुछ बच्चे के साथ में समस्या है। तो क्या होता है, इस कंडीशन में कई बार पेशाब की जांच वगैरह करवाने की जरूरत पड़ जाती है, या कुछ और भी जो डॉक्टर जरूरी समझते हैं वो जांच वगैरह आपको बता देते हैं कि आप इनको करा लीजिए, उससे थोड़ा सा बच्चे की समस्या के बारे में मालूम हमें हो जाता है। उसके बाद में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो भी डॉक्टर आपको इंडिकेशन दे रहा है बच्चे की बेड वेटिंग की समस्या के बारे में, आपको उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना है और बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उनको समझाएं कि डॉक्टर ने जो भी बातें बताई हैं वो किस तरह से उनके लिए फायदेमंद तो हो सकती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस समस्या की समाधान के लिए कुछ छोटे छोटे घरेलू उपायों के बारे में और किस तरीके से उनका हमें सेवन करना चाहिए। जब हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक समाधान के बारे में, तो कुछ औषधियाँ होती हैं जो दिमाग को ताकत देती हैं, वो औषधियाँ काम करती हैं बेड वेटिंग की समस्या में भी। जैसे कि एक संतुष्टि का सिरप आता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है बच्चों के लिए कि वो बेड वेटिंग की समस्या में आपको फ़ायदा करता है, क्योंकि जितने भी ब्रेन टॉनिक मेडिसिन वगैरह होती हैं वो एक ब्रेन को एक्टिव मोड में रखती हैं और सोते समय भी ब्रेन इंडिकेशन देने लगता है कि ब्लड फुल हो गया है, पेशाब का प्रेशर बन रहा है, तो बच्चे की नींद उस कंडीशन में सही समय पर खुलना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा कर सकती है, संतुष्टि का सिरप आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं कि जो काले तिल होते हैं आप उनको तवे पर भून लीजिए, लगभग 100 ग्राम आप तिल ले लीजिए, उनको तवे पर भून कर और उसके अंदर लगभग 200-250 ग्राम गुड़ आप ले लीजिए, खाने वाला गुड़ होता है उसको कूट करके और ये भुने हुए तिल उसमें आप मिला लीजिए, इनके छोटे छोटे लड्डू आप बना लीजिए, जितनी बड़ी बच्चे की टोफी आती है इतनी बड़ी, और इस तरह का एक एक लड्डू बच्चे को सुबह और शाम के समय पर खाने के लिए दें। और यदि बच्चा थोड़ा बड़ा है 10-12-14 साल तक का है तो उसको आप 2-2 लड्डू सुबह और शाम के समय पर दे सकते हैं। तो काला तिल और गुड़ जो है बच्चों को हेल्प करते हैं बिस्तर गीला करने की समस्या में, उसको मदद करती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो बेड वेटिंग की समस्या के बारे में आपके और आपके बच्चे के लिए काम आ सकती हैं। और यदि आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं इस समस्या से जुड़ी हुई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्दी ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे।
उसके अलावा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को यदि आपने अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। उसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे रेगुलर आप व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर आप दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रह सकें। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारा पेज है आयुर्वेद अपडेट्स, आप इस पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी फेसबुक अपडेट आपके टाइमलाइन से मिस ना हो सके। वीडियो के बीच बीच में आपको ऊपर आई बटन में कुछ लिंक दिखाई देंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो वीडियोस भी आपके काफ़ी कुछ काम आ सकती हैं। तो कुछ और आपके सलाह हो, कुछ और आपकी जो सजेशंस हो हमारे लिए, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।